So if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is parallelogram. तो कहा गया है कि if the diagonals of a bisector if diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is parallelogram. अब जरा देखिए गिवन क्या है, गिवन है पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम बना लीजिए ओके, और इस है नहीं पैरेललोग्राम बट बना लीजिए तो जब प्रूव करना है तो होगा ही, तो इसमें जो इसके डायगनल्स है वो एक दूसरे को क्या करना है बाइसेक्ट करना है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, अगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और AB CD is quadrilateral and AO is CO and DO is DO. बोलो सही है? Yes sir. अच्छा तो अब हम जब इतना दिया है तो टू प्रूव ABCD इस पैरेललोग्राम हमें क्या प्रूव करना है? ABCD पैरेललोग्राम है ओके, काटना है माई ऑडिबल ओके, ABCD इज पैरेललोग्राम ओके, बोलो बताइए काटना क्या क्या कह रही हैं? थ्योरम 8.7 नहीं है और उसमें कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो प्रूव करो कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, दैट वी आर गोइंग टू प्रूव। सो प्रूफ देखिए, तो प्रूफ में माही मुझको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ, इन ट्रायंगल
सर एंगल का होगा, बोलो सर एंगल एस ए एस एस वर्टिकली अपोजिट है ना, तो ट्रायंगल ओबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओडीए, यहाँ तक ठीक है। तो भाई सीपीसी की कार्तिक क्या सीपीसीटी से निकालोगे कि ये पैरेललोग्राम बन जाए, क्या ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है? एडीओ और सीबीओ, सी से डी चलो अपीलो और ए से डी चलो एडीओ, एडीओ सीबी हो जाएगा। यस सर। तो एंगल सीबीओ इज इक्वल टू एंगल एडीओ, लेकिन ये एंगल कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो क्या हुआ आप सही कह रही हो, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो प्रार्थना फिर क्या हो जाएगा बोलो, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो क्या होता है बताइए प्रार्थना, हाँ AD is parallel to ठीक है, क्योंकि पहले BC है तो पहले BC बोलो, BC is parallel to DA, BC is parallel to DA। अच्छा एक और भी बात है भाई, CPC की और क्या चीज निकल सकती है, क्या ये भी जेड बन सकता है? ये तो जेड इधर ही इधर का बना, इसमें कुछ और नहीं निकल सकता ना, ये भी करोगे तब भी यही मिलेगा, ठीक है हम और ज्यादा कुछ नहीं निकाल सकते, कुछ निकाल सकते हैं सर, क्योंकि ये करोगे और ये करोगे तब भी तो यही जज बन, तब भी इसी को पैरेलल करेगा। सर ऐसे देख लो, अगर मान लो ऐसे करो और इसको इसको इक्वल करो तो भी तो यही पैरेलल आएंगे, यानी इनको और इनको भी तो कॉन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तब ऐसा जज बनेगा है ना। सो ऐसा करो सिमिलरली, ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी ना करो, सिमिलरली कौन किसके कॉन्ग्रुएंट बताओ, ओएबी एसी बीसीडी पे, ओएबी किसके हैं, ओसीडी सही है, ट्रायंगल ओएबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओसीडी, नहीं इसकी सीपीसीटी बताओ, एबी से क्या लेना देना है, पैरेलल करना है, ऐसी कोई सीपीसीटी बताओ जिससे चीजें पैरेलल हो जाए, ऐसे नहीं होता है, बताओ अनुराग, अनुराग का बताओ क्या, अब इससे क्या सीपीसीटी निकालने की इसके पैरेलल आ जाए, एंगल एबीओ इज इक्वल टू एंगल सीओडी, सीडीओ सी बोलो सर, ओडीसी ओ ये ठीक बता रहे हो, एंगल एबीओ और इधर एंगल एबीओ इज इक्वल टू एंगल सीडीओ हो गया, बताओ अब इसके होने से क्या हो गया, सर ए और सी को भी तो करना होगा, अब कुछ ना करो बस हो गए पैरेलल, ये इधर वाला इसके पैरेलल हो गया इसके, ये और क्या चाहिए, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये कैसे एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो उससे क्या पता चला, दिस इंप्लाइज कौन सा किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी कहां से आया, ए बी लिखो तो इधर सी डी पैरेलल टू सी डी हो गया, तो अब इससे क्या चीज हो जाएगी, नाउ बाय दिस वी कैन कंक्लूड कि ए बी सी डी इज, बताओ हाँ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम,
से कैन बी कंक्लूडेड दैट ए बी सी डी इज पैरेलल ग्राम हैज ट्रू, ये चीज प्रूव हो गई। अब देखो नेक्स्ट इज थ्योरम 8.7 हो गया है। सेवन थ्योरम में से माही मुझे कोई चार थ्योरम बताओ। अब देखो सात के सातों बता दिए मैंने। नेक्स्ट इज एग्जांपल वन एट है ना, अभी एट अब आगे आएगा, पहले जैसे जैसे आता है वैसे वैसे। सो इफ द डायगोनल सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, तो हमसे क्या कहा जा रहा है, एक रेक्टेंगल दिया है, क्या रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है? सर सारे भाई एक होता है, कह रहा प्रूव करो सारे होते हैं। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल विद एंगल ए 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल का ही डेफिनेशन है। अब प्रूव क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, वो भी 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा, क्यों एंगल 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल्स, तो ये 90 डिग्री है और एंगल बी, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 90। सर वो तो 90 हो गया। अच्छा क्या आप मुझे ये बताएंगे कि एंगल ए और एंगल सी क्या इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। क्यों? एंगल अपोजिट और इक्वल, तो दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बोलो बात सही है। बात हो गई, तो अगर ए 90 है तो सी को क्या हो जाना चाहिए, सी भी 90 हो गया और बी भी 90 हो गया। अच्छा बी किसके इक्वल है, ठीक है ये भी क्या अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम की वजह से है, ठीक है। लेकिन बी क्या आ चुका है 90 डिग्री, तो बी के 90 आने से डी भी क्या हो गया 90, सो ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर 90 डिग्री ना, जैसा वो कहे वही को। सो ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, हेंस
ट्रू, तो ये बात ट्रू हो गई। इसके सभी एंगल 90 डिग्री हैं। अब देखो of a rhombus are perpendicular to each other. Example 2. So that diagonals of rhombus are perpendicular bisector होते हैं, पर वो कह रहा है perpendicular to each other, सिर्फ इतना ही करवाना चाहता है। गिवन क्या है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, कार्तिक क्या रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं? यस सर। तो क्यों नहीं इक्वल होते हैं? रीजन के साथ होता है, क्योंकि फिर हमें ऐसा लगता है कि आप रीजन ही बता रहे हैं। मतलब ये दोनों इक्वल लग रहे हैं ना आपको, ये कोई छोटा बड़ा तो नहीं लग रहा है, अनिक्वल होता है ना, तो अनिक्वल वो बड़ा ये छोटा है। लेकिन एक चीज फिर भी प्रूव है कि ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है, सीडी हमें बाइसेक्ट का नहीं प्रूव करना है। पहले लोग ग्राम में ही बाइसेक्ट कर देते हैं तो रोम्बस में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उसका एक पार्ट है ना, एक टाइप है। पहले लोग ग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते, करते हैं तो फिर इसके भी करेंगे, है ना, क्योंकि रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम का एक टाइप है कि नहीं। अब देखो हमें ये प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज रोम्बस गिवन। टू प्रूव कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करना है सिर्फ इतना, एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, इतना ही प्रूफ था। प्रूफ देखो, या ये साइड इसके इक्वल है? यस सर। अच्छा, ये साइड इसके इक्वल है तो क्या इसके अलावा, चलो दो नहीं, वो कह रहे थे कि ये दोनों की लेंथ इक्वल है, तो मैंने इसे और दबा दिया। हमने पूछा तो इक्वल है कि नहीं, बोला नहीं इक्वल है, इसमें इन्हें नहीं लग रहा था, फिर ये कंफर्म हो गया। अब जरा देखो कि यहाँ पर रोम्बस है, तो एक चीज हम और ले लें कि ए एस एस तो नहीं बनेगी, ए एस कॉन्कुरेंसी नहीं होती है ना, तो इसलिए ओ ए ओ सी भी नहीं ले सकते, क्योंकि बाइसेक्टर तो अभी हमें पता नहीं है। ये वैसे ले सकते हैं क्योंकि इट इज ए पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्टर, ये तो लिया जा सकता है कि नहीं, तो हम इसे ले लेंगे क्योंकि ये चीज है। और ऐसा करने के बाद और एक ए ये ले लेंगे, ये क्यों इक्वल होंगे भैया आप बताएं, हमें तो मालूम नहीं है, बता देंगे तो मेरा काम। ये ठीक बता रही थी, आप लोगों ने सुना नहीं, एंगल सपोजिट टू इक्वल साइड्स, देख लो पकड़ लिया, बोले ये दोनों साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, नहीं समझ आई बात की नहीं, पढ़ा है ना ये बात। तो अब जरा देखो कि इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल लोगे बताओ, ओबीसी ले रही हो, ठीक है ले लो, ओबीसी एंड ओबीए, ओबीए ले लो, ओबी से जब ऐसे ऐसे भी तो ऐसे नहीं कर जाओगी, अपने मन से जाओगी क्या, यहाँ से ऐसे विदाउट मार्क से डबल, विदाउट मार्क से डबल नहीं, ओ बी ए। अब बताओ आगे क्या करें, कॉमन
कॉमन सेट होगी, ट्रिपल एस की लगाओगी कॉमन सी, चलो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम तो ट्रिपल एस लगा देंगे, हमें इसकी भी जरूरत नहीं। चलो ओबी इज इक्वल टू ओबी कॉमन, और बोलो is equals to ये क्यों sides of rhombus, rhombus है ना, सभी sides equal थे। और बताओ OC is equals to OB क्यों, OA क्यों sides of rhombus, रॉम्बस बोलो अनुराग, ओसी इज इक्वल टू ए क्यों सर, अपोजिट साइड बोलो सर, पैरेललोग्राम लिए ना, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। हां अभी थ्योरम आपको बताया, अभी अभी पेन लिया है, अभी अभी भूल गई नहीं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं सर, वही तो प्रूफ कर रहा है। क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इसका एक एंगल 90 है, ये थोड़ी ना प्रूफ करना, पर रॉम्बस तो पैरेललोग्राम होता ही है। बोलो तो क्या लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये हो गया। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा दें, 5SSS कॉन्ग्रुएंसी, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा कि सर ट्रायंगल से भी तो लगा, बोलो कुछ और करना चाहते हो तो दूसरा मेथड बता दें, बोलो क्या सर ट्रायंगल से भी लगा सकते हैं, कौन सी ट्रायंगल, कौन सी बताओ, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है क्या, बोल रहे नहीं पता चले तो हम कैसे समझ पाएंगे, ट्रायंगल की भी तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, ओसी इज इक्वल टू ओए, ओसी इज इक्वल टू ओए, वो कौन सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, नहीं है कोई ट्रायंगल ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, ओसी इज इक्वल टू ए को कैसे ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी हमें बताओ, तो आवाज कट रही तो मैं इसको एक बार फिर से रेगुलेट कर देता हूँ, ओबीसी है तो ओए भी होगा ना, एक मिनट नाउ एम आई ऑडिबल क्लियरली, अच्छा ओ बी सी और ओ बी ए, ओ ए भी नहीं होगा, ओ उसी तरह से चलोगे ना, थ्री से टू तो थ्री से टू, इतनी बात हो गई। अब हम क्या करें, जबकि ये बात हो चुकी है सो बाई सी पी सी टी, क्या सी पी सी टी से बी ओ ए और बी ओ सी, बोलो बी ओ सी और बी ओ इक्वल हो जाएंगे, बी ओ सी इज इक्वल टू बी ओ ए, अब ये बताओ क्या इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर की वजह से, सो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ ए इज 180 डिग्री, ये क्यों होगा लीनियर पेयर, लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसे बी ओ सी प्लस बी ओ सी लिख दूं, तो बताओ 2 बी ओ सी क्या हुआ 90, तो बी ओ सी क्या हुआ, तो एक एंगल 90 हो गया ना बी ओ सी, तो सारे एंगल 90 हो गए क्योंकि ये इसके अपोजिट है, बाकी दूसरा एक ही हमें 90 प्रूव करना होता है वो इंटरसेक्शन है, सो डायगोनल इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, यही तो पूछा गया है,
सो डायगनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. कहीं नहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही हैं कि काइट के डायगनल राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, करते हैं? कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही कि स्क्वायर के डायगनल एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, करते हैं? तो पैरेललोग्राम के डायगनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं? तो ये कोई भी अग्री नहीं करता, लेकिन मानी है ये कैसा भी पैरेललोग्राम क्यों ना हो उसके भी डायगनल, हिम्मत की बात है. नहीं तो लोग सही को सही कहते हैं, गलत को गलत. सही को गलत करने की हिम्मत किसमें होती है? माही में होती है. देख लो 30 डिग्री है, अब कह रहे हैं हाँ राइट तो करते हैं. देखो है ना, बोली बात नहीं 120. तो अब कहीं माही आप ऐसा तो नहीं समझती कि पैरेललोग्राम के डायगनल एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें? नहीं कर रहे ना, और भी कंफर्म नहीं है तो मैं और लंबा पैरेललोग्राम बनाऊं. अच्छा एक और चीज पूछेंगे माई आपसे, कहीं आप ऐसा तो नहीं समझती कि रेक्टेंगल के डायगनल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं? ये 10 डिग्री और ये 170. चलिए ना पॉजिटिव इक्वल होता है, वो तो होंगे. ये बताओ कि किस किस शेप के डायगनल एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं? स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस एंड काइट के डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं. तो क्या अनुराग आप मुझे ये बता सकते हैं कि किस किस क्वाड्रिलेटरल के डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? हाँ स्क्वायर, रोम्बस और फिर इन्होंने तो थ्योरम ही बता दी, गोला लगाते रहो. काइट तो नहीं करेगा, काइट बाइसेक्ट करेगा क्या? पैरेललोग्राम की बात नहीं, पैरेललोग्राम तो नहीं, बाइसेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना, एक लंबा हो जाएगा नीचे वाला. ट्रेपीजियम में अब हम देखते हैं, मेरे ख्याल से नहीं करेगा. आइसोसेलीस वाला करेगा क्या? कर देते हैं, ऐसे पता नहीं चलता है ना, एक बार करके देखो. ये आइसोसेलीस बना दिया, अब देखो ये ऐसे और ये ऐसे. मुझे तो पता नहीं, आप बता दो कर रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा, आप बता दोगे तो मैं भी हैं नहीं करेगा क्योंकि ये छोटा ही बड़ा है तो कर रहा है. दिख ही नहीं रहा है तो होगा कैसे? बोलो नहीं करेगा ना. चलिए अब तो डायगनल्स ऑफ आइसोसेलीस ट्रेपीजियम और काइट डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, बट डायगनल ऑफ काइट कट एट राइट एंगल, वो आपस में एक दूसरे को कैसे करते हैं? राइट एंगल. जैसे काइट देखो तो काइट में क्या होगा? डायगनल
एक दूसरे को बाइसेक तो नहीं करता है, सिर्फ एक डायगनल ही बाइसेक करता है और एक करेगा क्या? नो सर। लेकिन क्या ये 90 डिग्री पर होगा? यस सर। ठीक है, और इसके अलावा डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम जैसे इंक्लूडिंग रॉम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, फिर तीसरी बार डायगनल्स, अनुराग बताओ डायगनल्स ऑफ स्क्वायर के बारे में। 90 सर, 90 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। अच्छा, क्या डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल होते हैं? यस एंड इक्वल। अच्छा, डायगनल्स ऑफ रॉम्बस, कार्तिक बताइए, नहीं होते? कुछ तो बोलो, कुछ होता होगा इसमें, कुछ तो बोलो। एक एंड नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। फिफ्थ, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल, माही उसको बोली इसने, बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। 90 डिग्री जरूरी है? और क्या वे इक्वल होते हैं? एंड आर इक्वल, 90 डिग्री नहीं है, हमने दिखाया था ना एक बहुत बड़ा सा पतला सा लिख करके। क्या डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं? बोलो अनुराग। यस सर, यस सर। हमें नहीं पता, आप बताएंगे तो हम लिख देंगे, हमको मालूम होता तो हम आपसे क्यों पूछते। आपने कहा इक्वल लिख दो तो हम लिख देंगे, हमें मालूम नहीं था ना, मालूम होता तो हम आपसे क्यों पूछते। सर वो ट्रू तो वही होता है जो जनरली ट्रू हो। अब आप बताइए मैं क्या लिखूं? एक्सेप्शन की बात नहीं करो, पैरेललोग्राम में क्या जर्मन में रहने वाले सभी लोग जर्मनी बोलते हैं? जर्मनी में रहने नहीं ना, राम प्रसाद, एक्सक्यूज मी, देयर इज अ राम प्रसाद हु डज नॉट स्पीक जर्मन, तो झूठ होगा कि नहीं मैम की बात? एक भी ना होता हो तो बताओ डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो आगे की बात करें सर। छुट्टी थी, लगभग छुट्टी है तो उसी के कंटिन्यूएशन दे देंगे, आप देख लेना पिछला टेस्ट क्या है, बहुत सारी क्लासेस हुई नहीं है तो चीज़ें जो भी होंगी। अब आगे की क्लास करो, एग्जाम्पल थ्री, तो ए बी सी इज आइसोसेलिस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। ए बी सी को पहले आइसोसेलिस ट्रायंगल दिखाइए, ठीक है, तो ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, ये मैंने दिखा दिया, तो ए बी सी इज आइसोसेलिस ट्रायंगल। अब देखो, अब आगे क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, AB is equals to AC. AD bisects exterior angle PAC. तो PAC लो,
अब पी ए सी कैसे बनाएंगे, ये क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, पी ए सी, और ए बी क्या इसका बाइसेक्टर है, देख लो ये ए बी, तो ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ दिस, और फिर डी से किसे ज्वाइन किया गया है, क्या पी ए सी एक्सटीरियर एंगल है, चेक करो पी ए सी, यस सर, ये इंटीरियर एंगल, तो पी ए सी क्या है, समझ आई बात, देख लो अभी अभी समझ आई कि पी ए सी एक्सटीरियर है, अब इसका हाफ कौन कर रहा है, पी ए डी, ए डी उसका एंगल बाई सेक्टर है, फिर आगे क्या कहा गया है, सी डी इज इक्वल, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, अब सी डी को ज्वाइन करो, क्या सी डी पैरेलल टू ए बी है, CD is parallel to AB, okay? Take a rhombus. अभी कुछ कह नहीं सकते क्या है parallel to AB के rhombus. So that इतनी बात कही गई है AB is equal to AC है और CD is parallel. तो given क्या है? BAD is angle bisector of BAC. एंगल पी ए सी, पी ए सी का एंगल बाई सेक्टर है, अब जरा देखो नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी दिया है और क्या दिया है, क्या ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बोलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इतनी सारी चीजें दी हैं और पूछा गया है टू प्रूव, क्या पूछा गया है, डी ए सी बी सी ए के इक्वल है, डी ए सी और बी सी ए ये इसके इक्वल प्रूव करो, ये इसके इक्वल, समझ आई बात, कह रहा है ये इसके इक्वल प्रूव करो, प्रूव डी ए सी एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल पढ़ो रूप में बी सी ए, और दूसरी चीज क्या कह रहा है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ये भी प्रूव करवाना चाहता है, तो दो चीजें आपसे कही गई हैं प्रूव करने के लिए, प्रार्थना आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है जी बीच में, अब देखिए तो सबसे पहले पार्ट वन का सलूशन, अब देखो कि ये बताओ जो एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर मेरे पास एक एक्सटीरियर एंगल है तो क्या वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, यस सर, है तो मेरे पास ये पी है, पी ए सी है और ये बी है, तो क्या ये बताओ कि क्या एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, Yes, क्यों इक्वल है, दैट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, सही है नहीं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यहां तक तो बात सही है, अच्छा ये बताओ बी सी के इक्वल हो गया और एंगल पी ए सी किसके इक्वल हो गया, ए बी सी प्लस ए सी, सही है, बी प्लस सी लिख देते हैं ऐसे लिख देते हैं, और जो पी ए सी है वो क्या सी प्लस सी के इक्वल हो गया, टू सी, सही है कि नहीं, yes, तो ये चीज हो गई, और हमें क्या प्रूव करना है, डी ए सी
लेकिन PAC को क्या हम ये लिख सकते हैं? जरा देखो तो ये D है कि नहीं? तो ये D है, तो PAC को मैं क्या 2DAC लिख सकता हूँ? कोई चीज एक पिज्जा को आधा आधा कर दो तो क्या पूरा पिज्जा आधे का डबल हुआ? तो पूरा एंगल क्या आधे एंगल का डबल हुआ? PAC को क्या लिखा जा सकता है? टू टाइम्स ऑफ एंगल DAC, क्योंकि DAC उसका हाफ एंगल है ना। और इसी तरीके से इसे क्या लिखा जा सकता है जो कह रहा है लिख लो, जो भी कह रहा है BCA कहना चाहता है, C लिख सकती हूँ नहीं तो BCA लिख दो, है नहीं? BCA तो क्या टू कट जाएगा दोनों तरफ टू से डिवाइड करने पर? Yes, yes. तो क्या आ जाएगा? X3 आ गया, बोलो इतनी बात क्लियर है? सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है कि एक और बात करूं, इसे मिलाया भी गया है, आपको क्या ये एंगल इसके इक्वल लग रहा है? ये अभी आपने प्रूफ किया है ये एंगल इसके? Yes, sir. अभी किया ना? Yes, sir. तो ये बताओ ये इसके इक्वल बन रहा है तो इस एंगल में क्या ये जेड है? क्या बन रहा है बताओ? जेड बन रहा है? Yes, sir. तो बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है कि नहीं? प्रूफ में मैं ये कह रहा हूं कि ये एंगल क्या बना रहा है बताओ? ये जेड नहीं है? Yes, sir. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे तो क्या होगा? सो डी ए सी बी बट these are alternate interior angles. So इसकी वजह से क्या हो जाएगा? So AB is parallel to CB. Parallel हो गया? Yes. अच्छा और भी कुछ देखो कि अब और एक और जेड कहीं से बनाओ तो तब काम बनेगा। सर ऑलरेडी एक दे रखा है ना, ए बी पहले सी डी, ये दिया? यस सर। तो काम बन ही गया, आपने ए बी इज पैरेलल टू सी डी तो दे ही रखा है। फर्दर नहीं कुछ नहीं करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया ही है हमने, इसको इसके पैरेलल कर दिया और ये इसके पैरेलल दिया ही है। सो ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। सो अब देखो ना, हेंस प्रूव, यहां तक बात हो गई प्रार्थना, एम आई ऑडिबल? समझ में आया सवाल? बोलो सो एग्जाम्पल फोर, two parallel lines L and M are intersected by transversal P. कहा गया है कि two parallel lines हैं और इनको एक transversal कट कर रही है, ये two parallel lines हैं L M P और सबने arrow बनाओ। क्यों arrow बनाओ? क्योंकि ये lines हैं, line segment नहीं है। अब आगे देखो, जो इनके ये क्या इंटीरियर एंगल्स हैं? Yes, sir. इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर करो, तो इस एंगल का बाइसेक्टर किया, इस एंगल का भी बाइसेक्टर करो, इस एंगल का बाइसेक्टर किया, इस एंगल का भी बाइसेक्टर करो, इस एंगल का भी बाइसेक्टर किया और इस एंगल का भी बाइसेक्टर करो। तो ये जो हमने बाइसेक्टर कर लिए, नाउ दे इससे एक बीच में ये आपस में कट भी करेंगे, तो वो कह रहा है कि जो मैंने बाइसेक्टर किया है वे आपस में रेक्टेंगल बनाते हैं। कह रहा है कि पहले तो दो पैरेलल लाइंस थी, उनको पी ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, फिर उनके एंगल बाइसेक्टर लिए, दो पैरेलल लाइन को पी ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया,
फिर इसका बाईसेक्टर, इसका बाईसेक्टर, ये बाईसेक्टर हुआ बोलो, और ये इसका बाईसेक्टर हुआ, अब इसका बाईसेक्टर मतलब जो भी एंगल है उसका आधा कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस एंगल का आधा कर लिया, इस एंगल का इधर आधा, एक आर्क बना ली, अठक ठक काट दिया, खींच लिया, एक आर्क बना, उधर से कट करो, उधर से कट करो, आधा कर लिया, ये करते हैं तो बाईसेक्टर ले लिया। तो इससे जो बाईसेक्टर बना तो आपको क्या प्रूफ करना है, इट इज सो दैट द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड बाय द बाईसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो गिवन क्या है, एंड पी इज ट्रांसवर्सल और बाईसेक्टर्स क्या दिए, बाईसेक्टर है ए बी सी क्यू, ए बी सी सी बी सी डी और ए डी, ऐसा। और ये किसके बाईसेक्टर हैं, क्या आपको ये लगता है कि ये जो बाईसेक्टर हैं ये पी, ये अब देखो ए बी, ए बी किसका बाईसेक्टर है, ए बी इज बाईसेक्टर ऑफ पी ए सी, बोलो क्या ए बी किसका बाईसेक्टर है, क्या पी ए सी एंगल का आधा आधा कर रहा है, ए बी इज बाईसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी। अच्छा ये बताओ ए डी किसका बाईसेक्टर है, एल तो एक लाइन है, ये स्मॉल है, एल एक पॉइंट थोड़ी ना होता है, एस ए सी, तो बताओ ए डी किसका बाईसेक्टर है, एस ए सी, एस ए सी, और नीचे भी ये क्यू और आर लिखा है, तो ये क्यू और आर, तो ये मुझे बताओ बी सी किसका बाईसेक्टर है, क्यू सी, हाँ क्योंकि क्यू सी ए का ही बाईसेक्टर है, क्यू सी ए, तो ये बताओ कि सी डी किसका बाईसेक्टर है, आर सी ए, ये सही बात है, आर सी ए, इतना हमको दिया गया, ये सब गिवन है, यस सर, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया, इससे डायग्राम दिया सर, क्वेश्चन भी दिया, तो सर बी दिया है, डायग्राम ऐसे डायग्राम में देने से नहीं होगा, सो दैट द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्स दिस रेक्टेंगल, इतना हम कर देंगे तो कुछ डायग्राम से नहीं मतलब, ठीक है, जब वो कह नहीं रहा है तो हम क्यों ले, नहीं क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, हम ले नहीं सकते, तो इतनी बात हमें दी है, इतनी लेंगे, हम इससे ही करेंगे, इंटरनल बाई सेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, बाई सेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म से रेक्टेंगल, इतनी बात हम करेंगे। तो
ये बताओ कि प्रूफ कि पीएसी और क्यूसीए का सम क्या है? बताओ, मान लो ये दो लाइन है जैसे कट है, तो पीएसी और क्यूसीए का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? लीनियर पेयर पास हो जाएगा। एक ही पॉइंट पे दो एंगल उठें क्या? ऐसा थोड़ी ना है, ये कोई भी एंगल है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या पी ए सी को आप 2BAC मानते हैं? क्योंकि आधा आधा हो रहा है, एक पिज्जा जो है आधे पिछा पिज्जा का डबल नहीं हुआ, इसे क्या लिख लिया जाए? 2BAC हुआ। अच्छा, अगर ऐसा मानते हैं तो मुझे ये बता दो कि क्यू सी ए को ना ही क्या मानती हो? अंदर अंदर वाले एंगल को बाहर का क्यों देती है? बी ले लो, ये ले लो, या तो ये लो या ये लो। तो सी बी ए लोगे तब तो बी आ गए, बी का क्या लेना देना? सी लो ना, तो 2BCA ले ले। 2BCA ये 180 डिग्री हुआ। अच्छा, 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये 180 डिग्री हुआ। तो बताइए कि BAC प्लस BCA कितना हुआ? 90 डिग्री। अच्छा, ये बताओ कि BAC प्लस BCA प्लस एंगल बी, इन तीनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। यस, एंगल सम प्रॉपर्टी। यस सर। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, तो ये दोनों का सम क्या 90 है? अभी ऊपर से बोलो। यस सर। देखो 90 आया कि नहीं इन दोनों, और इट इज 180 डिग्री। बी कितना हुआ? 90। तो एंगल भी प्रूव हो गया 90 डिग्री। अच्छा, सिमिलरली अगर करें तो मैं कर डी को भी 90 प्रूव कर सकता हूँ। यस सर, डी एस बी है ना, सिमिलरली एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, एक और बात बताओ, अब हम आपकी बात करते हैं, आप लीनियर पेयर बोल रहे थे, तो बताओ कि पी ए सी और एस ए सी ये क्या है? लीनियर है। लीनियर तो पी ए सी प्लस एस ए सी इज 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो पी ए सी किसका 2 टाइम्स है? पी ए सी का है, तो लिखो 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी 90 क्या? एंगल डी 90। ये सिमिलरली से हुआ, फिर अब जैसे इधर किया तो वैसे इन दोनों का सम करो। मतलब आपको बार बार वही चीज नहीं करनी पड़ती है, अगर एक ही जैसी दो चीजें तो सिमिलरली लग जाता है। ये बताओ, यहाँ नहीं लगेगा सिमिलरली क्योंकि अलग चीज है, तो लिखना नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं, बस सिमिलरली लिखा। सिमिलरली लिख दिया तो बात हो गई। अब ये बताओ पी एस सी की जगह आपने क्या बताया? पी एस सी। और बताओ एस एस सी को क्या लिखोगे? टू सी ए डी बोल रही है, डी एस सी बोल रही है। अच्छा, ये 90 180 डिग्री हो गया, 2 कॉमन लिया जाए। तो ये बताओ कि पी ए
सी प्लस सी अभी कितना होगा 90 डिग्री उधर ले लेना सो एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी ये 90 डिग्री हो गया लेकिन ये बताओ कि बी ए सी और सी ए डी ये मिल के कौन सा एंगल हुआ बी ए सी और सी ए डी बी ए डी हो गया यानी ये 90 हो ही गया सो एंगल बी ए डी इज 90 डिग्री और सिमिलरली क्या लिख दो बी सी डी इज 90 डिग्री तो ये क्या हुआ एज ऑल फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री सो इट इज रेक्टेंगल बोलो बात समझ में आ गई ठीक ये चीज प्रूव हो गई नेक्स्ट डेट होगा क्या सर 22 से आएगा हां 22 से आएगा बताओ दिखाओ मुझे तो देख देखने से पता चला हां 22 हां 22 अगस्त से ना 22 अगस्त तक आपने कर लिया था नौ बजे आ जाना देखो टेंथ की उस समय क्लास चल रही होगी 9:30 से क्लास चल रही है 9 से रिक्वेस्ट ज्यादा होगा नहीं तो ये जो टाइमिंग है टेस्ट का 9 से है आपका तो फिर क्लास चलेगी तो थोड़े लोग ऑफिस में बैठेंगे थोड़े एक दो पीछे बैठेंगे तो ऐसा हो जाएगा ऑफिस में मैम बैठी रहेंगे आप वहीं अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जांपल 4 ये हो गया एग्जांपल 4 आगे देखो एग्जांपल 5 एग्जांपल 5 क्या कहता है एग्जांपल 5 सेज सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम form a rectangle. So, bisectors of angles of parallelogram. Angles of forms rectangle. ऐसा कह रहा है. समझ आई बात? तो ये पैरेललोग्राम ले लिया हमने और पैरेललोग्राम में इसके बाइसेक्टर लो इसका भी बाइसेक्टर लो तो ये एंगल का बाइसेक्टर ले लिया और फिर इसका भी बाइसेक्टर लो क्या बोलो सबके बाइसेक्टर दे दिए और ये चीज है सही है सर ये डायगनल थोड़ी ना ले रहे हैं बाइसेक्टर ले रहे हैं एंगल का अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ मान लीजिए कि एक ऐसा ले लूं
फर्स्ट एंगल है, ये ठीक ठीक लग रहा है इसका बाइसेक्टर है, एंगल बराबर लग रहा है कि और कर दे, अब बताओ अब लग रहा है, थिकनेस लग रहा है, यस सर बोलो, और ये भी थिकनेस लग रहा है, हैं? अब मैं इन दोनों को जॉइन कर दूं, ना कर, बता, समझ में आ गई बात की नहीं? बाइसेक्टर अलग चीज है, डायग्राम अलग चीज है, ये हमने कर दिए बाइसेक्टर, अब कौन सा ट्रायंगल है बताओ, कौन सा डायगोनल कैसे लग रहा है, बोलो डायगोनल बाइसेक्टर कैसे लग रहा है, अलग अलग है क्योंकि डायगोनल में अल्टरनेट वर्टेक्स को ज्वाइन किया जाता है, क्या डायगोनल बाइसेक्टर हो सकते हैं, जरा देखो आप बताओ, आपको तो नहीं पता है, मैंने ये ज्वाइन कर दिया, बताओ हो सकते नहीं, यहां लग रहा है कि नहीं, जो डायगोनल था क्या वो बाइसेक्टर लग रहा है, दोनों एंगल इक्वल लग रहे हैं, अब आप बता, हमको तो नहीं लग रहे हैं, ये तो आंखों में धूप झोंकने वाली बात है, कितना छोटा एंगल है, तीन गुना है, लग रहे हैं आप, नहीं तो फिर और लंबा ट्रायंगल बनाए, देख लो कितना छोटा है कितना बड़ा, कोई फर्क नहीं पता चल रहा, ये छोटा बड़ा नहीं पता चल रहा है, ये समझ आई बात की नहीं, तो ए बी सी डी और हमें गिवन क्या है बताओ, गिवन है कि एपी एपी एंगल ए का बाइसेक्टर है, एबी सीबी इज क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम है कि क्वाड्रिलेटरल, क्या कह रहा है पैरेललोग्राम, अच्छा तो एपी क्या है, एंगल ए, तो पीबी क्या है, बोलो एंगल बी का बाइसेक्टर, अच्छा तो फिर आरडी क्या है, एंगल बी का, ओके और दो चीजें और हैं, और आरसी क्या है, एंगल सी, इतनी दिया है चीजें, और हमें ट्रू प्रूफ क्या करना है, अंदर वाली चीज रेक्टेंगल है जो कि पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस टू प्रूव पी क्यू आर एस इज, अच्छा आप बताओ पी प्रूफ, क्या आप एंगल डी प्लस एंगल ए को 180 डिग्री समझती हैं, यदि हाँ तो क्यों, सो दिस इज ओ इंटीरियर, अच्छा डी किसका दुगना है, इस ट्रायंगल के परिपेक्ष में बताइए, एंगल डी ए डी एस का, हाँ सो टू टाइम्स एंगल ए डी एस, अनुराग ए किसका दुगना है, सर किसका ए, सर ए बी सी का, ये जो एंगल ए है ना पूरा, ये किसका दुगना है, देखो ये जो डी पूरा एंगल था तो क्या ये इस वाले का डबल था, सर डी पूरा, पूरा ये पूरा जो डी एंगल दिया ना, क्या ये आधे का दुगना हुआ, आधा का क्यों, एंगल बाइसेक्टर है तो आधा ले लो, ए डी एस उसका डबल नहीं है, अब इसी ट्रायंगल में रहो और ये बताओ ए किसका दुगना है, सर ए एस डी, ए एस डी एस को देख रहे हो, ए को देखते तो बात बनती, अच्छा क्या ये जो एंगल ए है क्या इस वाले एंगल का दुगना नहीं है, ये जो एंगल डी है क्या इस वाले का दुगना नहीं है, तो मुझे बताओ एंगल एक किसका दुगना है, बोलो डी ए एस, सर ए एस डी भी तो हो सकता है, इसका दुगना कर दो, जो एंगल है अपने में से ही पिज्जा को बीच से तोड़ा, या इधर वाले का दुगना करो, इधर वाले को भी उसका दुगना कर दो, तो बताओ डी ए एस लिख दूं, डी ए एस का डबल,
देखो ये 180 डिग्री हो गया, अब 2 को कॉमन लो और ए डी एस प्लस डी एस तो 180 डिग्री, तो बताओ ए डी एस और प्लस डी एस क्या हुआ 90 डिग्री। और ये बताओ कि ए डी एस प्लस डी एस और प्लस डी एस ए ये क्या हुआ 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ, एंगल सम ठीक है, इतनी बात हो गई। अच्छा अब देखो कि इन दोनों का सम क्या है, क्या 90 है ऊपर से, तो डी ऐसे क्या हुआ बोलो, ये इधर ले जाओ, ये दोनों तो यही है ना, 90 डिग्री, क्या डी ऐसे 90 हो गया है? Yes, sir. तो क्या आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, तो फिर पी एस आर भी 90 हो गया। सिमिलरली दिस इम्प्लाइज बट एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल डी एस ए वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो पी एस आर क्या हुआ 90 डिग्री हो गया। देख लो जब ये 90 तो ये 90, अब क्या सिमिलरली इधर वाला भी वैसे 90 हो जाएगा क्योंकि वे बोथ के हिसाब से आर सेम। सो सिमिलरली एंगल पी क्यू आर भी 90 डिग्री, पी एस आर 90, पी क्यू आर 90, इतनी बात समझ आ गई सही है। आगे की बात करो तो अब हमें P के बारे में देखना है, क्या P 90 है? So, P के बारे में भी देखना, is it 90 degree? सर अभी भी सिमिलरली लिख सकते हैं ना? अब नहीं लिख सकते सिमिलरली, वहाँ वर्टिकली अपोजिट का केस था, अब यहाँ वर्टिकली अपोजिट का केस नहीं है। अब बताओ कि ये बताइए कि क्या एंगल ए प्लस बी क्या है, बताओ 180 डिग्री माइन पूरा करवा देना है, को इंटीरियर एंगल्स ए को किसका डबल लिखें इस वाले ट्रायंगल में लो, ए को करवा रहा हूं तो तुम बी बोल रहे हो, इधर ही का बोलो ना, ए का करवा रहे तो आधे का डबल बोलो ना सर, तो इसमें बी नहीं होगा नहीं तो पी से बी जो बीच वाला बोलोगे तब तो एंगल बी आ जाएगा। सर मैंने पी बी बोला। हाँ तो क्यों बोल रहा ए बी बोल रहा ना, पी बी कैसे बोल, तो बी एंगल हो जाएगा, ये एंगल इसका डबल है क्या? आपने पूछा क्या था कि ए किसका डबल है, तो क्या बोलोगे पी ए बी। अब अनुराग बी किसका डबल है बताओ, पी बी ए ये सही है, पी बी ए का डबल है टू टाइम्स देखो, और ये 180 डिग्री, टू अगर कॉमन आ गया तो ये 180 डिग्री, तो ये बताओ कि जो पी ए बी प्लस पी बी ए है क्या वो 90 डिग्री, और जो पी ए बी प्लस पी बी ए और प्लस एंगल पी इन तीनों का सम क्या, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ। और इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल पी, सो एंगल पी कितना हो गया 90,
इसको भी रेक्टेंगल में डालो, तीन एंगल 90 हो गए। अच्छा ये बताओ सिमिलरली में लिख दे बाकी। यस सर। एंगल आर कितना हुआ? 90। एज ऑल फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज 90 डिग्री सो इट इज रेक्टेंगल। एज सर लेकिन उसमें D का आपने पूछा था तो A था ना सर। जो डी था वो इसका डबल था सर। डी एस का ना सर। डी ए डी एस बोलो या इसकी ये बीच में डी सर। इसमें ए इसका डबल ए के लिए जब ये ट्रायंगल ले रहे थे तो डी ए एस का डबल कराया, फिर इसी ए को जब ये ट्रायंगल ले रहा है तो एस बी का डबल कराया है ना। सर इसमें डी था तो ए हुआ तो इसमें ए तो बी नहीं होगा। फिर से बोलो सर। जैसे उसमें डी आपने क्या पूछा था सर? इसमें सर वो क्लियर नहीं हुआ सर। आपने पूछा था ना डी किसका डबल है या डी डबल है? डी एक एंगल है और हमने उसके दो टुकड़े कर दिए उस पार्ट के, तो डी डबल हुआ किसका? हर एक पार्ट का। रोटी के दो टुकड़े कर दो तो पूरी रोटी के आधी रोटी की डबल नहीं हुई? तो ये जो पूरी रोटी है क्या इस आधी रोटी की डबल नहीं हुई? तो सर इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम बताओ तो नाम नहीं तो गड़बड़ कर रहे हो। नाम बताओ तो हम फिर बताएं। इस एंगल का क्या नाम डी है? नहीं डी तो जब एक बहुत सारे एंगल होते हैं तब फिर वो नाम दे के बुलाया जाता है। डी से ही शुरू करो। ए डी एस बीच में वो आना चाहिए या एस टी ए? अच्छा इसमें ए का क्या होगा? ए किसका डबल है बता सर? ए डी एस ए से ही शुरू करो। जब भी कोई एंगल होता है ना तो अगर ए एंगल ले रहे हो तो बी ए सी, ये नहीं कह सकते हो कि ए सी भी। तो ए किसका डबल है? समझ में आ जाएगा। यहाँ बताओ ए क्या इसका डबल है? छोड़ दीजिए क्वेश्चन, छोड़ दो अभी अपना कॉन्सेप्ट बनाओ कि हम फिर से बता देंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन की तो चिंता ही मत करो। ए जो है जो पूरी रोटी है आधी रोटी की डबल है तो ये आधी रोटी का नाम बताओ। सही बताया। क्या यही पूरी रोटी इसकी भी डबल है तो इसका नाम बताओ? अब इसी से आ जाएगी है ना। हर जगह एक चीज यूज हुई है। आप देख लो ए अभी में देख लो, ए में इसका डबल कर दिया है कि नहीं? अब इसको इसका डबल कर दिया, अब फिर वो हटा के ये दोनों और ये तीसरा एंगल, ये ट्रायंगल लिया कि नहीं? सही है। अच्छा आर फोर एंगल्स आर 90 डिग्री सो PQRS क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। नेक्स्ट प्रूफ इज इट ओके? सारे तो कट दिए, ये किया ये किया ये किया, ये किया, ये हुआ था 90। इसके 90 होने से क्या ये 90 नहीं हो गया? और ये क्यों 90 हुआ भाई? इन दोनों का सम 90 तो क्या ये 90 नहीं हो गया? और ये 90 तो क्या सिमिलरली ये 90 नहीं हो गया? हो गया ना चार भाई को करना। ना
according to that is a parallelogram. If a pair of opposite sides is equal in parallel. आपको नंबर वाइज नहीं लिखना है लेकिन सारी थ्योरम लिखनी है कि कौन सी क्या है ये नहीं लिखना, मतलब 8.8 कौन सी है ये नहीं लिखना, प्रूफ तो नहीं आएगा लेकिन ये थ्योरम सा सकते। अब देखो इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल इन पैरेलल, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट प्राइस मनी उसको हम लास्ट तक कैलकुलेट कर लेंगे फिर आपका। अब देखो अगर अपोजिट साइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कह रहा है मेरे पास एक ही अपोजिट साइड्स पैरेलल है वही इक्वल भी है, ये ले रहा है और कह रहा है प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी, दूसरे के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा। कुछ भी बनाया लेकिन इतना ही दे रहा है। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, टू प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अब जरा देखो प्रूफ, प्रूफ में इसे मिला दो, ज्वाइन डी बी ये इसके पैरेलल है, अगर मान लो ये इसके पैरेलल है और ये लाइन ड्रॉ कर दी तो क्या ये एंगल इक्वल हो जाएगा, भाई दो पैरेलल लाइन और जेड बना दें तो ये इक्वल हो जाएगा ना, ये पैरेलल है। और क्या इसे आप कॉमन समझते हैं, सब चीज हो गई। सो इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, यहाँ से लो ए बी सी लो और दूसरा सी डी बी, जब यहाँ से ऐसे चल रहा तो यहाँ से ऐसे नहीं चलोगे, डबल से बिना मार्किंग वाला सी डी बी, तो क्या क्या चीज किसके इक्वल दिखाई जाए, बोलो ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों ए बी सी डी के इक्वल है, गिवन है और बोलो कॉमन ओवर मतलब कॉमन डी बी हमें नहीं दिया क्या, ए बी सी दे दिया, ए बी डी देखो डी बी किसके इक्वल है, BB? सर मैम ने कहा कि BD BD लिख सकते हैं। BD? सर जब कॉमन है उसको लिख सकते हैं। BD is equal to? सर हमारे BD ऐसा जो अल्फाबेट्स जो पहले आते हैं वही। जैसे जो आता है वही यही नियम है, बड़े-बड़े बुक्स में यही। मैम ने बोल दिया होगा वो सब ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना कन्वेंशन, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। दस टीचर आते हैं, दस तरीके से बताते हैं, हम तो यही देखते हैं, तो ये इसमें कोई भरोसा नहीं करना। तीसरी चीज बताओ, एंगल ए डी सी, ए डी
सी यहाँ कहाँ है? ए बी ए बी डी किसके इक्वल? सी डी बी सी डी सी डी बी क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमारे पास क्या बना? एस ए एस एस ए एस। सो भाई एस ए एस कांग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी। ये कांग्रुएंट हो गया। और आपको प्रूफ क्या करना है? अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, प्रूफ करना है ना। कॉन्ग्रुएंसी तक पहुंची हो, किसी को ठंडा करके तो बता देना। अच्छा अब देखो, अब जब हमारे पास इतनी चीजें आ चुकी हैं, तो मैं कैसे पता करूं? एक साइड पैरेलल है, दूसरी साइड पैरेलल करनी है बस। कुछ काम बन जाएगा क्या भाई? सीपी सीपी से बना लो सर। फिर दूसरे साइड भाई सीपी सीटी। अच्छा सीपी सीटी से क्या ये जेट बना सकते हो तो बात बन जाए। यस सर। तो क्या वो ए डी बी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी बी सी ए डी बी सी बी डी बन रहा है? नहीं हो गया बस यही चीज बनी। ए डी बी और सी बी डी देखो तो ये दोनों इक्वल है, तो क्या ऐसे जब नहीं बन जाएगा? तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी बी। तो लेकिन ये दोनों कैसे हैं? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ए बी इज पैरेलल टू क्या सी बी? फर्दर क्या गिवन है बोलो? फर्दर कोई चीज किसी के पैरेलल भी तो है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो गए, अपोजिट साइड पैरेलल हो गए। ये इसके पैरेलल है, ये तो दिया ही था नहीं? सो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एंड स्क्रू। अब देखो एग्जाम्पल सिक्स। एग्जाम्पल सिक्स क्या कहता है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो और उनके मिड पॉइंट से इसको मिलाया और इसके मिड पॉइंट से इसको मिलाया। एबीसीडी पैरेललोग्राम था लेकिन उनके कुछ मिड पॉइंट भी थे। तो इसका मिड पॉइंट क्या था? पी। तो पी से मिला दिए। अब इसका मिड पॉइंट क्या है? तो क्यू से भी मिला दो। और ये एक दूसरे को एस और आर पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें क्या गिवन है? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ डी सी एंड ए बी। ए बी टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू दिख रहा? ए पी सी क्यू
is parallelogram. तो हमसे पूछा गया है ये प्रूव करिए कार्तिक मुझे ये बात बताओ थ्योरम 8.8 क्या है थ्योरम 8.8 पे सारे क्वेश्चन हम वही सकते हैं तो क्या ये चीज इसके पैरेलल है ये पैरेललोग्राम है ना एबीसीडी तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल है yes, yes, तो क्या डीसी और एबी भी पैरेलल है yes, क्यों क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल कोई चीज पैरेलल है तो उनके टुकड़े भी तो पैरेलल हुए अच्छा क्या ये पूरी लेंथ इसके इक्वल है yes, तो क्या उनके हाफ्स ऑफ इक्वल थिंग्स आर आल्सो इक्वल इसका आधा कर दो और इसका भी आधा कर दो क्या वो भी इक्वल होंगे क्या ये इसके पैरेलल है ये इसके इक्वल है तो क्या थ्योरम 8.8 से ये पैरेलल भी हुआ और इक्वल भी हुआ तो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया सही है कि नहीं चलो तो हम पहले क्या लिखे हैं कि बीसी किसके पैरेलल बताओ बीए रूफ BC is parallel to BA तो अब BC है so QC is parallel to PA that is parts of parallel lines ये given है अच्छा ये बताओ क्या DC AB के इक्वल है बताइए क्या DC AB के इक्वल है तो हाफ BC के हाफ AB के इक्वल होगा सर DC BA के इक्वल है BC जो है ना BA के इक्वल है और DC क्या है क्या 2QC है यस सर बोलो यस सर मिड पॉइंट है तो इसे क्या लिख लो 2QC और उधर BA को क्या लिख लो BP 2PA ठीक रहेगा आधे का डबल और क्या 2 को कट कर दें QC और PA इक्वल है क्या अब QC और PA पैरेलल भी है क्या तो हमें कौन सी थ्योरम मदद करेगी ये पता करने में कि पैरेलल है हां तो QC इज ये देखिए सो QC is equals to PA and QC is parallel to PA. So this implies APCQ. APCQ is parallelogram by theorem 8.8. ये भी लिख सकते हो. One pair of opposite sides are equal and parallel. सही है? As One pair of opposite sides are equal and parallel. सही है? इसी तरीके से हम एक और काम करेंगे. क्या काम करेंगे? कि इस वाले को पैरेलल प्रूफ करेंगे क्या इसको भी पैरेलल प्रूफ किया जा सकता है ऐसा कोई तरीका बन रहा है जैसे ये पहले ही इतनी इजी का फॉर्मूला है सिमिलरली तो कर सकते हो वो अगर करेंगे तो हम भी सिमिलरली कर देंगे नहीं करेंगे तो फिर हमें करना पड़ेगा ये तो सिमिलरली कर रही हो तो बुक सिमिलरली कर रही तो हम भी फायदा उठाना है बात की नहीं चलो सिमिलरली वाली बात सेकंड
लिखा करो पैरेललोग्राम। अब प्रूफ क्या है? सिमिलरली एज पार्ट वन, डीपी बोलो, डीपी किसके इक्वल हुआ? डी क्यू इज पीपी एंड डी क्यू इज पैरेलल टू पीपी, सही है। सो बाई थ्योरम 8.8 डी पी डी क्यू इज पैरेलल टू ना। अब क्या कह रहा है? इसे कुछ कह रहा है क्या? पी एस क्यू हुआ। एक और बात होती थर्ड देखो, टू प्रूव पी एस क्यू आर इज पैरेललोग्राम, कार्तिक कुछ मदद करोगे? है किसी के पास कोई मदद? बताओ। ये मुझे बताओ कि क्या ये पैरेललोग्राम है? तो क्या ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी जबकि पूरी पैरेलल है? पैरेललोग्राम। तो ये बताओ कि डी पी बी क्यू पैरेललोग्राम है? तो अभी देख लेते हैं, क्या ये पैरेललोग्राम है डी पी बी क्यू? फिर से देखो, ये और यहां सीधे। अभी बताओ, एक मिनट देखो, टाइप है कि क्या वो तो बात नहीं लेते हैं। अभी देखो जो चीज बताई जा रही, ये बताओ कि क्या ये पैरेललोग्राम है? तो ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये साइड इसके पैरेलल होगी? डीपी डीपी इज पैरेलल टू क्यूबी होगा, बोलो। आप समझ आ गए? अच्छा ये बताओ, तो क्या एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस इसके पैरेलल हो जाएगा? रहेगा कि नहीं होगा? और इसी तरीके से इसको इसके पैरेलल कर देंगे, है ना? तो डी पी इज पैरेललोग्राम, सो डी पी इज पैरेलल टू क्यू बी, और डी पी का एक पार्ट है एस पी इज पैरेलल टू क्या लिखोगे? क्यू आर, पार्ट ऑफ पैरेलल। ये क्या लिखोगे? क्या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम? बोलो, और भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो पैरेलल होते ही हैं, है ना? बीपी बी क्यू क्यों पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हुए, फिर उनके पार्ट पैरेलल हुए। ये पैरेलल हो चुका है, लेकिन अब दूसरा पैरेललोग्राम क्या है जरा वो भी तो बताओ। बोलो, क्या एपी सी क्यू था पहला वाला? एपी सी क्यू, तो ये बताओ कि एपी सी क्यू इस पैरेललोग्राम क्यों पैरेललोग्राम है? दैट इज प्रूव्ड इन पार्ट वन। क्यों पैरेललोग्राम है और ये क्यों पैरेललोग्राम है? टू डेन आर टू क्या एस पी आर क्यू और कहीं है? ऊपर भी है डी पी बी क्यू ना, सही है। अच्छा ये देखो, अब ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम है तो क्या क्यू ए पी सी के पैरेलल? चेक करो, क्यू ए पी सी के पैरेलल हुआ? देख लो, तो क्यू ए इज पैरेलल टू पी सी। अच्छा क्यू ए का टुकड़ा पकड़ो, क्यू एस
QS is parallel to RP. QS ले रहे हो तो PR ले लो, ठीक है? क्यों? क्या ये अपोजिट साइड्स ऑफ सर लाइन मार्क और ये क्या है पार्ट्स ऑफ पैरेलल आंसर? आप तक समझ में आ गई? क्या ये और ये इट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट इज PQRS इज पैरेललोग्राम? ये इसके पैरेलल तो हम इसे वन डाल दें और इसे क्या डाल दें? तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड, है बात की नहीं? इतना ही नहीं,